आप देख रहे हैं एक खबर पर खास पेशकश मेरा निगम पार्षद। DG3RWA ने साहिब कुमार का खुला समर्थन किया। साहिब कुमार वोट मांगने की अपील करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही लोगों ने अपने उम्मीदवार साहिब कुमार को देखा तो लोगों ने साहिब कुमार के ऊपर अपनी अपनी छतों से फूलों की वर्षा करनी शुरू कर दी और एक एक कर अपने नेताजी को माला पहनाकर गले लगाना शुरू कर दिया। साहिब कुमार को देखते ही लोगों को वो समस्याएं याद आ गई जिनका समाधान साहिब कुमार ने बिना किसी पद के किया था। लोगों ने बताया कि साहिब कुमार ने बिना किसी पद के समाज सेवा की है और अब उनकी समाज सेवा का लोग साहिब कुमार को भारी मतों से जिताकर रिटर्न गिफ्ट देंगे। जिस तरीके से साहिब कुमार का लोग समर्थन कर रहे हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब की बार साहिब कुमार भारी मतों से जीत प्राप्त करेंगे। समर्थन में इसीलिए आए हैं कि हम, मैं सबसे पहले उनको एडवांस में बधाई देना चाहती हूँ और हमारा पूरा सहयोग है उनके साथ। वो भारी मतों से जीते और जो भी उन्होंने यहाँ पे कमिटमेंट करी है, मुझे आशा है कि वो अपना पूरा निभाएंगे जीतने के बाद। निभाएंगे तो मतलब श्योर है। हाँ जी, इस बार DG3 पूरी महिला संगठन ने फैसला लिया कि हम उनको सपोर्ट करेंगे, भारी बहुमत से जिताएंगे। सर, DG3 परिवार मेरा परिवार है और खुल के समर्थन तो एक बच्चे का एक माँ बाप करेगा ही करेगा, क्योंकि उनके परिवार का बच्चा है जो चुनाव लड़ने आया है। ये खुशकिस्मती है हमारी DG3 की, जो टिकट मिला है हमें और आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। तो हमारी मेन तो जो बात है विकासपुरी की, पूरे एंटायर विकासपुरी की, मैंने इनकी सेवा की है और ऐसे सेवा की है जैसे एक परिवार में एक बच्चा अपने माँ बाप की और परिवार की सेवा करता है, उस टाइप से सेवा की है। तो इनका जो मेरे लिए आना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इनका आभारी हूँ कि इतनी संख्या में निकल करके इन्होंने जो बच्चे का स्वागत किया, ये बहुत सराहनीय है मेरे लिए और हमेशा ज़िंदगी भर इस बात को मैं याद रखूँगा। और इनके जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो है MCD के तहत काम आएंगे, वो सारे ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और MLA के द्वारा जो काम किए जाएंगे वो भी करेंगे, क्यों चैन बन जाएगी एक काउंसलर और MLA की, जबकि चैन बन जाएगी तो काम ज़्यादा होंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली NCR का नंबर 1 चैनल एक खबर।